लोग लड़कियों को छोड़ के लड़कों के साथ, वो लड़के ही कहेंगे क्योंकि जींस तो मर्द है। सही, मुझे आप मेरे डीएनए भी करा लेंगे ना तो फिर भी अंदर मेरे बाल से भी करवाएंगे तो फिर भी मर्द ही निकलेगा। सही, किसी सूरत में नहीं निकलेगा। सही, और फिर जब आप शादी को एंजॉय कर रहे हैं और साथ बॉयफ्रेंड को भी एंजॉय कर रहे हैं, बीवी को भी एंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मिक्स करके आप पेश कर रहे हैं तो बताएं आप फिर किधर गए? आप तीसरी दुनिया में नहीं रह रहे, आप किसी और कुव्वत का हिस्सा नहीं बन रहे, आप अपने मजहब से। अभी ये थोड़े दिन में ये जो हम जिस कल्चर से हम वाबस्ता हैं, ये हिंदू कल्चर का हिस्सा है, गुरु चेला सिस्टम। मुसलमान में दूर दूर तक इसकी कोई मिसाल नहीं है किसी जगह भी। हिंदू में है, माई नंदी की है, माई नंदी के नाम के ऊपर ही ऑपरेट करवाते हैं, ये माई नंदी ने किया था। और चेला भी उसी के नाम में, हुक्का पानी बंद, आशीर्वाद, घुटनों को हाथ लगाना सर पे, सलाम भी हमारा गायब कर दिया। सही, कि हम ऐसे सलाम भी नहीं ले सकते, इसके ऊपर गुरु की सजा है। अच्छा, हाँ बच्चा तेरे बेअदबी, गोडन हतला। अच्छा, माफी मांगनी है तो एक टांग पे खड़े होके ऐसे माफी मांगो जैसे देवी खड़ी होती है। अच्छा, हाँ एक टांग पे खड़े होके, कभी कभी जूती भी मुंह में डलवा देते हैं। अल्लाह, कभी मुंह में जूती रखो तो फिर बदतमीजी की इस बात के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो टॉर्चर होती जाती है मूरत, और उसको इस कल्चर का हिस्सा बना दिया गया, वो है हिंदू कल्चर। तो उस कल्चर को प्रमोशन, हमारा इस टाइम अमेरिका दुश्मन नहीं है, मेरा हमसाया मुल्क है। मैं जो अगर कुफार कहते हैं या काफिर कहते हैं, जो भी कहें, हमारी नज़र में वो बुतों की पूजा करने वाले तो वो तो हमारे साथ खड़े हैं, वो अपना कल्चर हमें दे रहे हैं। मुझे वेस्टर्न कल्चर नहीं मिल रहा, मुझे हिंदू कल्चर में मैं जा रही हूँ। मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, मैं साड़ियाँ पहन रही हूँ, वो ड्रामे देख के, जो मैं इंडिया के ड्रामे देखती हूँ, जो मैं इंडिया की फ़िल्म देखती हूँ, मैं शाहरुख खान बनना चाहती हूँ, मैं सलमान खान बनना चाहती हूँ, मैं फ़लानी हीरोइंस की कपड़े पहनूँगी, फिर इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों डाले? मेरी मेरे ख्वाहिशात जितने भी हैं बुरे हैं, मगर ये फ़ोटो कापी आपकी है, ये माशरे की कापी है। मैं जिस पे डांस कर रही हूँ उसको आपने अवार्ड दी है स्टेज पे खड़े होके, सदारती के रीमा खान आपने बहुत अच्छा निक्कर और ट्राउज़र पहन के और बड़ा सेक्सी डांस किया है, और क्या बात है, आप ये अवार्ड ले जाएँ। एक तो नरगिस काम कर रही है उसको अवार्ड मिल रहा है, गाने बनाने वाले को अवार्ड मिल रहा है, मौसीकार को अवार्ड मिल रहा है, मुझे सिर्फ नाचने के ऊपर, सिर्फ कॉपी करने के ऊपर, मैंने वैसे कपड़े पहन के, या किसी आर्टिस्ट ने वहाँ खुसरा बन के शो में बैठा हुआ है तो मर्द, उसे किसने आग दी, उस पर लानत नहीं भेजी होगी? तो मर्द के कपड़े पहन के औरत बन के तो यहाँ खुसरा बन के लोगों को हंसा रहे, क्यों भाई? कानून तो तेरे पर भी बनना चाहिए, लानत तो वहाँ भी शुरू हो गई, तुम इससे रोजी कमा रहे हो खुसरा की एक्टिंग करके, और औरत की, औरत को वो कपड़े पहना के अपने पार्टीज में लेके जाना पसंद कर, तो अगर वो मैंने किया है तो ये मैंने गाने बनाए हैं, या मैंने ये फिल्म जो आइलैंड को पास किया है, फिर मुझे इससे आप गिला करें। माशे की मर्द और औरत की बिगड़ी हुई जो तस्वीर है ना, असली वाली नहीं, बिगड़ी हुई तस्वीर की कॉपी हो, मुझ में देखना है तो अपना आप देखो, अपने आप को दुरुस्त करो। बड़ी प्रोफाउंड। मेरा जो दुपट्टा नहीं है अगर मेरे सर पे तो मेरा क्या है? मैं तो मर्द भी कह दिया आपने, खुसरा भी नहीं माना, कुछ भी नहीं माना, मैं दुपट्टा उतार के फिरूँ, नंगे कपड़े पहन के फिरूँ, जो फिर रही हैं उनको क्यों नहीं कहते आप? आप उनसे बात करें, उनसे लड़ें जाके, इस्लाम की बात उधर अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं तो अगर वो पहले जब हम मैं निकली थी ना, जब वो शबनम थी फिल्मों में, शबनम ज़ेबा ऐसे आराम से साड़ी पहन के बड़े ना ढके छुपे आके खड़े होकर गाना करके चली जाती थी, सारे खुसरे वैसे ही कर रहे होते थे। रीमा आई, उसने जरा बाल खोले और पेट नंगा किया, ब्लाउज पहने, सब ने वैसे ही शुरू कर दिया, कोई फ़र्क नहीं है आपकी फिल्म के अंदर और ख्वाहिशात के अंदर। वैसे कितनी गहरी बात है ये, आप सोच रहे। फिर रीमा उसको देख के, आप मुजरे का सीन देख के, जब आप अपनी शादी में कहते रीमा आ जाए, वो आएगी? वो तो एक ऐड के ले लेती करोड़ों रुपये, वो आपके फंक्शन में कैसे नाच जाएंगी? तो इतना पैसा वहाँ, मेरे जैसी रीमा जाती है, नाच के भी आ जाती है, वही डांस भी कर आती है, वही गानों पे पैसे भी ले आती है। तो एक सस्ती इंटरटेनमेंट ये ख्वाजा सराई है, जो गली गली मोहल्ले में, कोई रीमा, कोई नरगिस, कोई मधुरी, कोई ईश्वर राय, और नाम भी हम यही चुनते हैं ना। सही कह रहे हैं, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल, जिसकी कोई कॉपी बन गई उसका नाम उसको दे दिया। इट्स वेरी ट्रू। एज अ कोच, जो बातें आपने कही हैं बहजते कोच, कितनी ही चीज़ें मेरे जहन में घूम गई हैं। ये जो माशरे की मुनाफ़त वाली बात है, मैं कई दफ़ा राय साहब आती है किसी बहन बेटी की जो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड मेंटली हो चुकी होती है, क्यों कि कहीं उसका अफेयर हो गया, जीने मरने के वादे हो गए, कस्में हो गई, सब कुछ हो गया, शादी करेंगे, सारा कुछ होगा,
और वो बढ़ते 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 सारी लाइन्स क्रॉस कर जाते हैं. अब जब लाइन जब वो क्रॉस हो जाती है लाइन, उसके वजह वो शादी का कहती है, तो आप दोनों को जवाब मिलता है कि तुम जैसे लड़की से कौन शादी करेगा. और फिर वो लड़की वहीं खड़ी होती है तो वाइफ के रूप में, उसको वही पनाह देगी जैसे हमें गुरु ने दी, ऐसे उस लड़की को भी वहाँ पर, वहाँ उसके बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, उसकी शादियाँ भी रोज होती रहेंगी. तो किसने उसको वहाँ तक पहुँचाया? देयर इज द मेन जिस्ट कि ये जो हुआ है ये जुर्म हुआ है, लेकिन सजा एक को क्यों मिल रही है? और फिर उससे बड़ी बात ये कि जिसने उसको, बहसीते मर्द मैं समझता हूँ कि अगर औरत का पाँव अगर बहक भी जाता है, अगर बहक भी जाता है, तो मर्दानगी, असल जो मर्दानगी की जो मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि उसका फ़ायदा ना उठाए. दैट इज़ द रियल मैन. ठीक है. लेकिन अगर किसी वजह से तुमने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा भी लिया है, तुम तो ताना ना दो. यू आर द कल्प्रिट. ठीक है. तुम्हें किसने हक दिया है कि जुर्म भी तुम करो उसके बाद फतवा भी तुम लगा दो? तो ये कलेक्टिवली हमें अपने इन रवैयों को अपडेट करने की जरूरत है. देयर इज नो डाउट. मेरे ख्याल है आज हम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें की और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके. मैं समझता हूँ आपके साथ हम बना कर रखेंगे जी. और सबसे पहली बात यह कि मुझे लगता है आपको दोबारा भी बुलाना पड़ेगा, दोबारा से अभी तो मुझे लगता है अभी तो हमने अभी तो मुश्किल से डब्बा खोला ही है. अभी तो अंदर बड़े बड़े राज पोशीदे हैं. अभी एक ही सफा खुला है. सही बात है. मुझे आइडिया हो गया, मुझे बात की गहराइयों से पता लग गया कि अभी बड़ी बातें रहती हैं. और ख़ासतौर पर ये जो कम्युनिटी के साथ जो मामलात हो रहे हैं, जो आपने चीज़ों की तरफ इशारा किया है, आज इशारतन इतनी सारी बातें टच हो गई हैं ना कि मैं चाहता हूं कि इस एक एक चैप्टर को हम जो है वो डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. कम्युनिटी क्यों? क्योंकि हमने ना मसले के हल की तरफ, ये नाम ही नहीं होना चाहिए कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या होती है? बिल्कुल, यही लफ्ज ही गलत है कम्युनिटी. अगर मैं हूँ तो सिर्फ एक सिटीजन हूँ यहाँ का. सही. किसी भी मुल्क का हूँ तो एक शहरी हूँ. मर्द है. वहाँ से मेरे राइट्स मुझे मिल रहे हैं, जो भी बना दिए जिस मुल्क ने भी, जो भी राइट्स बनाए हैं मेरे पर वो लागू हैं. मुझे आपने देने, और हम लेते भी हैं. मैं आज उमरा करके आई हूँ. ठीक है ना. मैं वही शनाख्ती कार्ड पे करके आई हूँ. सही. मैं उस ख्वारसरा में रह कर आई जब भी वही शनाख्ती कार्ड दिखाती थी. सही. फिर यहाँ आई हूँ तो जब भी वही शनाख्ती कार्ड दिखा रही हूँ. फिर दफ्तर में जा रही हूँ तो वो मुझे मान नहीं रहे ना. मैं कह रही हूँ मैं लड़का हूँ, मैं मर्द हूँ. कहते कहाँ गई थी, कहाँ से आई हो? यानी कि मेरी यही शनाख्त काफ़ी है कि मुझे लोग खुद ही कह रहे हैं ना. तो मैंने बस ठीक है, अगर मैं इसमें खुश हूँ तो आप भी तो एक बेटे बेटी को कह देती ये तो मेरा बेटा है, क्योंकि वो कमा रहा है ना. यानी अपनी बेटी को भी किसी टाइम बाप कह देते ये तो मेरा बेटा है. भाई इतना ही कहना है आपने मुझे भी घर में ना, तो ये तो मेरी बेटी है, तो मैं वहीं खुश हो जाऊँगी. मेरी फीलिंग्स के साथ मेरी माँ ने बुला लिया, मेरी बहनों ने थोड़े दिन, अगर वो किसी ने कहा नहीं नहीं अगर वो कह रही है तो ऐसे बुला लो. यहाँ सेल्फ पर्सीव आइडेंटिटी देने के बजाय मुझे घर में दो, फिर मेरे आहिस्ता आहिस्ता तरबियत दो, फिर तालीम भी मेरी चलती रहेगी, फिर मैं आपका कल्चर भी फॉलो करूंगा कि आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो आप घर में करेंगे मैं वैसी रहूंगी. ठीक है ना. 18 साल तक तो ज़रा मुझे कंट्रोल कर लो, फिर मैं जाके अपना फैसला कर लूंगी कि मैंने क्या करना है. वो मेरी तालीम भी होगी, मेरे घर भी होगी, मेरी फैमिली से मोहब्बत भी होगी, और नाच गाने के लिए बाहर के लिए एक प्रोफेशन इजाद करना. अगर सेक्स वर्कर में अगर मैं पकड़ी जाती हूँ तो उसकी सजा जुर्माने सारे मौजूद हैं. मुझे वो घर में दो. आप मेरे अब्यूज़ को छुपा रहे हैं और मुझे दूसरा रास्ता मेरे लिए खोल रहे हैं. मैं इसको छुपाती जा रही हूँ. फिर जो भी मेरे से करता था तो मैं छुपा देती थी कि इसका फ़ायदा तो कोई नहीं है. कोई बदमाश उठा के ले गया, किसी ने किसी के साथ ज्यादती कर ली, किसी ने बाल काट दिए. अल्लाह.